हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक काफ़ी अहम है आप सभी लोगों के लिए जो भी दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है यूए के किसी भी एमिरेट्स में आपको जॉब मिलती है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का वीज़ा लगता है आपका, ठीक है। और ये 2 साल जो है आपको कंटिन्यू जॉब करनी होती है। अगर बीच में आप ब्रेक करते हैं जॉब को तो आपको जो भी वीज़ा का जो चार्जेस हैं वो आपको पे करना होता है और 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी देना होता है, ठीक है। वो करने के बाद ही आप जो है जॉब स्विच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपसे पूरा जो है आपका सैलरी डिस्कशन, आपका लीव वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो आप उसको केयरफुली पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप उसको जो है साइन करिए उस पर, ठीक है। उसी के बेस पे आपकी पूरा 2 साल का जो भी सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह होगा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़िएगा, उसके बाद ही आप साइन करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वीज़ा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्यूटी टाइमिंग है दोस्तों, वो 9 आवर्स की ड्यूटी टाइमिंग होती है, जिसमें आपको 1 घंटे लंच के लिए मिलता है और 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, ठीक है। ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक की होती है, जिसमें कि आपको शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है। एक फार्मेसी में 3 स्टाफ होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो एक मॉर्निंग ड्यूटी होती है जो 8 से लेकर के 5 की होती है, एक इवनिंग ड्यूटी होती है जो 3 से लेकर के 12 बजे तक की होती है, और एक स्प्लिट ड्यूटी होती है। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कि स्टाफ को देखते हुए वो अरेंज की जाती है। जैसे कोई हमारा स्टाफ 10 बजे आता है, वो 10 से 2 करता है, इधर 10 से 2 ड्यूटी किया, उसके बाद फिर इवनिंग में भी उसको जो है बुलाया जाता है, बीच में उसको ब्रेक दिया जाता है। इस हिसाब से ड्यूटी एडजस्ट की जाती है, ठीक है। तो इवनिंग में मोस्टली हमें 2 स्टाफ चाहिए होते हैं, इवनिंग में कस्टमर ज़्यादा होते हैं इसलिए जो है 2 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। दिन में कस्टमर कम होते हैं तो 1 स्टाफ ही हमारे लिए इनफ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा ड्यूटी का पूरा टाइमिंग। और दूसरी तीसरी चीज़ क्या है कि आपको महीने साल में 1 महीने का लीव मिलता है, पेड लीव होता है वो। तो एक साल अगर आपने कंप्लीट किया यहाँ पर तो 1 महीने के लिए आपको छुट्टी मिलेगी। आप अपने कंट्री जा सकते हैं, वहाँ पर 1 महीना आप बिता करके आ सकते हैं। उसमें आपको जाने का फेयर भी मिलेगा, टिकट का 1 साइड का फेयर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 महीने का और लीव मिलेगा। मीन्स 2 साल के पूरे आपका जो भी वीज़ा है उसमें आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है और आने जाने का टिकट मिलता है, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो गए आपके। इसके अलावा अगर आपको बीच में कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, बाय द वे मान लीजिए घर पे हमारे कोई भी घटना घट गई, तो उस कंडीशन में आप बीच में भी कभी भी जा सकते हैं। ऐसा कोई आप पाबंदी नहीं है कि आप जा नहीं सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है बीच में आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं भी जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करने के बाद ही 1 मंथ के बाद मेरे फादर का एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से मैं सडनली मुझे जाना पड़ा। तो 10 दिन के लिए मैं गया हुआ था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जा सकते हैं कभी भी आप, ठीक है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हम 2 साल के बाद ही जो है घर जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में जब भी आपका कुछ भी इमरजेंसी फंसता है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और 1 साल पे तो आपको लीव मिलती ही है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डायरेक्टली आप लोग कॉल मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मैं कभी ड्यूटी में होता हूँ, कभी कुछ भी घर का काम रहता है वो सब करता रहता हूँ। आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।